हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किटेक्ट D05 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग RRB अजमेर द्वारा हाल ही में संपन्न की गई एग्ज़ाम असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस के CBT 2 एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो उसके पहले हम लोग देखिए फ्रेंड्स एग्ज़ाम की बात कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो थी 21, 22 और 23 जनवरी को एग्ज़ाम संपन्न हुई है। और एग्ज़ाम में देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ कुछ शिफ्टें जो थी वो टफ आई थी, कुछ मॉडरेट आई थी। तो इस तरह से जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ज़रूर काम करेगा। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जो है आपको पता है कि 10 से 12 नंबर भी बढ़ते हैं, 15 नंबर भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग, अगर टफ शिफ्ट में आपका पेपर था तो आप लोग घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके नंबर जो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुई थी ये असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस के लिए सेम पेपर हुआ था, मतलब एक ही शिफ्ट में उनके पेपर हुए थे और पेपर में भी कोई चेंजेस नहीं थे। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स की असिस्टेंट लोको पायलट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो है अभी भी जो है ये कोई लास्ट स्टेज की एग्ज़ाम नहीं थी। इसके बाद जो है CBT 2 के बाद भी उनका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और उसके बाद साइको टेस्ट भी रहेगा। तो यहाँ पर जो है दो स्टेज और बची है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे पेपर की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर जो था दो पार्ट में संपन्न हुआ था। पार्ट ए जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और पार्ट बी जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए फ्रेंड, जो मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वो पार्ट ए से बनने वाली, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और पार्ट बी जो था उसको, वो जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, उसमें सिर्फ 35% आपको मार्क्स लाने हैं ना। 35% मार्क्स मतलब 26 नंबर के आसपास आपको नंबर लाने हैं तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, और इसके नंबर जो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। तो पार्ट बी जो था वो क्वालिफाइंग नेचर का था। और हम लोग जो, लेकिन आज हम लोग जो है फ्रेंड्स पार्ट ए की बात करने वाले हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आए थे। उसमें से आप लोग कितने नंबर सिक्योर करेंगी कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है नेक्स्ट स्टेज के लिए हो जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, और सबसे पहले एक और बात बता दो फ्रेंड्स कि देखिए फ्रेंड्स, असिस्टेंट लोको पायलट में जो है जितने भी ये नंबर आप पोस्ट हैं उनके 8 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। मतलब 8 गुना ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो सीधी सी बात है कट ऑफ फ्रेंड्स कम ही जाएगा। अगर आप लोगों का विज़न अच्छा नहीं है तो आप लोग जो है डिसक्वालीफाई कर दी जाएंगे RRB द्वारा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये CBT 2 के बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आप लोगों को जो है विजन सर्टिफिकेट लेकर ही जाना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। अदरवाइज आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग पहले ही देख लीजिए, आपका विज़न या देखने की क्षमता अच्छी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 गुना कैंडिडेट इसमें ज़्यादा बुलाने वाले तो कट ऑफ कम ही रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे RRB अजमेर में अनरिजर्व कैंडिडेट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अनरिजर्व में जो सीटें हैं वो देखिए 547 प्लस 27 सीटें हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब इसके 8 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो अगर आप लोगों के जो देखिए फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप लोगों के जो मार्क्स 50 या 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जो बिल्कुल सेफ जोन में, आप लोगों को जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बिल्कुल बुलाया जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने, अगर पेपर की बात करें हम लोग, तो कुछ लोगों ने देखिए फ्रेंड्स 75 और 80 और 80+ भी अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, उनकी एक्यूरेसी पर डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए, ठीक है। और वहीं कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने 45, 50 या 55 अटेम्प्ट किए हैं लेकिन उन्होंने बोला कि वो हम गलत नहीं करके आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो है एक्यूरेसी मैटर करेगा कि अगर आप लोग 80 करें तो उसमें से गलत कितने, अदरवाइज आपके मार्क्स माइनस हो रहे हैं। और अगर आप लोग 50, 55, 60 भी कर रहे हैं, अगर आप लोग एक्यूरेट है तो आपके डेफिनेटली फ्रेंड्स मार्क्स उतने मिलेंगे आपको। और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी काम करेगा यहाँ पर कि अगर आप लोगों का पेपर टफ शिफ्ट में हो तो आपके डेफिनेटली मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अनरिजर्व में बात करें, अगर आप लोगों के 50 मार्क्स अगर आ रहे हैं आपके, तो आप लोग जो बिल्कुल सेफ जोन में। SC कैंडिडेट की बात करें तो SC में अगर आपकी सीटें 156+8 सीटें, मतलब 164 सीटें। और अगर आप लोगों की जो है 42 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ जोन में। ST की बात करें तो 79+4 सीटें, 83 सीटें हैं। और यहाँ पर अगर ST कैंडिडेट की अगर 38+ भी मार्क्स आ रहे हैं तो ये जो है बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। और OBC कैंडिडेट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, 275+14 सीटें हैं और इनका जो कट ऑफ जो है वो लगभग जनरल के आसपास ही रहता है। तो 48 के अगर पास, अगर आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग जो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो असिस्टेंट लोको पायलट की बात हो गई। अगर हम लोग टेक्नीशियंस की बात करें तो देखिए, टेक्नीशियंस के लिए जो है ये स्टेज आखिरी स्टेज है। इन्हीं CBT 2 के में जो जितने भी मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसी के बेस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट
बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आरआरबी अजमेर कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटें टेक्नीशियंस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा सीटें, देखिए 860 प्लस 178 सीटें हैं यहाँ पर, और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए ये सीटें हैं। और यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट के अगर देखिए फ्रेंड्स 60+ मार्क्स हैं, तो आप लोग जो डेफिनेटली आप लोगों को जो है कॉल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल बुलाएंगे आरआरबी अजमेर वाले, ठीक है। अब एससी की बात करें तो 224+50 सीटें हैं, यहाँ पे भी अगर एससी के भी 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल सेफ जोन में। एसटी की बात करें तो 122+23 सीटें हैं, और एसटी कैंडिडेट के अगर 45+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ओबीसी की बात करें तो 430+90 सीटें हैं, और अगर उनके 58+ अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ये भी बिल्कुल सेफ जोन में एससी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।